हेलो फ्रेंड्स, मैं टेक्निकल रोहित सिंह। आज मैं आप सबको आज जैसा कुछ और भी ब्रांड के बारे में कुछ बताऊंगा, जो डिटेल्स में आप सबको पता भी चलेगा। आप मुझे वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं बता रहा था, आज से कुछ लाखों साल बाद, हमारा लाखों साल भी नहीं, उससे भी पहले भी हो सकता है, हमारे मानव हम ह्यूमन ही हम जिम्मेदार है किसी चीज़ को खराब करने के पीछे। कुछ सालों में शायद उसे घर की जरूरत पड़ जाए। दिन भर होते प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या, घटते हुए नेचुरल रिसोर्सेस और खतरनाक सुपरबग्स एक ना एक दिन इस सुंदर से घर को हमारे लिए जहरीला बना ही देंगे। तब हमें जरूरत होगी इस घर से बाहर मानव सभ्यता को बचाने के लिए एक और घर की, जो हमें ब्रह्मांड में केवल वहीं मिल सकता है जहाँ पर पृथ्वी की तरह ही कोई ग्रह हो और वातावरण भी लगभग समान हो। ऐसे में ही हम वहाँ पर आगे अपनी मानव सभ्यता को संभाल पाएंगे। पर ऐसा ग्रह खोजना और वहाँ तक पहुँचना इस समय विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइमित के इस एपिसोड में, जिसमें हम चलेंगे ब्रह्मांड में मौजूद उन ग्रहों की ओर जो एकदम पृथ्वी की तरह ही है और आने वाले भविष्य में हमारी मानव सभ्यता को बचाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए इस नई अनोखे ग्रहों की यात्रा के लिए। साल 2009 में लॉन्च हुए कैपलर टेलीस्कोप ने अपनी 9 साल की जिंदगी में हजारों एक्सोप्लैनेट यानी हमारे सौरमंडल के बाहर के ग्रह खोजे, जिनमें से कई ग्रहों को वैज्ञानिकों ने जीवन के पनपने के लिए परफेक्ट ग्रह माना। ये सभी ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आते थे, पर हमारी पहुंच से कोसों या कहें तो सूर्य से भी परे थे। इन्हीं में से एक ग्रह कैपलर 452b ने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। कैपलर टेलीस्कोप ने इसे 2015 में खोजकर सनसनी फैला दी थी और वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी ऐसे एक्सोप्लैनेट को खोजने का दावा किया था जो कि पृथ्वी की तरह ही रॉकेट प्लैनेट था और पृथ्वी की तरह ही अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में उसकी परिक्रमा करता था। ये ग्रह 385 दिनों में अपने स्टार कैपलर 452 की परिक्रमा को पूरा कर लेता है और इसका तापमान भी पृथ्वी के समान ही है। हालांकि आकार में पृथ्वी से बड़ा माना जाता है और इसका मास भी पृथ्वी से 5 गुना है, पर इसकी सरफेस ग्रेविटी यानी सतह पर लगने वाली ग्रेविटी पृथ्वी से बस थोड़ी सी ही ज्यादा है। इसलिए अगर हम यहाँ कभी पहुँचते हैं तो हम आसानी से इस ग्रह पर अपने आप को ढाल सकेंगे। पर सबसे कमाल की बात जो इस ग्रह की है वो ये है कि ये जिस स्टार की परिक्रमा करता है वो एकदम हमारे सूर्य की तरह ही जी टाइप स्टार है और इसका सरफेस टेम्परेचर भी सूर्य के ही बराबर है। इसलिए अगर आप कभी यहाँ खड़े होते हैं तो आपको यहाँ से कैपलर 452 स्टार पृथ्वी से सूर्य जैसा ही दिखाई देगा। इसलिए ग्रह हमारी पृथ्वी के हिसाब से एकदम सटीक ग्रह माना जा रहा है। पर जो सबसे भयानक सच्चाई ग्रह अपने आप में लिए बैठा है वो है इसकी हमसे दूरी। ये सुपर अर्थ कैपलर 452b हमसे करीब 1400 लाइट ईयर दूर है, यानी कि अगर लाइट की स्पीड से भी जाएं तो 1400 साल पृथ्वी पर यहाँ पहुँचते पहुँचते ही बीत जाएंगे। पर फिलहाल हमारे पास लाइट स्पीड जैसा कोई यान नहीं है, इसलिए अगर हम सबसे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब की 200 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ जाने की कोशिश करें तो आज के समय में हमें इस ग्रह पर पहुँचने में कम से कम 22 लाख साल लग जाएंगे, जो कि किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक ग्रह पृथ्वी के जैसा होकर भी हमारी पहुँच से बहुत 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 दूर है। भले ही कैपलर 452b हमारे लिए इस वक्त नहीं बना है, पर हाल में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की तरह ही एक अनोखा ग्रह खोज निकाला है जो कि हमसे ज्यादा दूर भी नहीं है। कैपलर टेलीस्कोप के अक्टूबर 2018 में रिटायर होने के बाद एक्सोप्लैनेट्स को खोजने की जिम्मेदारी कई अलग अलग टेलीस्कोप पर आ गई, जिसमें से TESS और कहें तो ट्रांजिट एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट स्पेस टेलीस्कोप ने कैपलर की जगह ले ली। ये स्पेस टेलीस्कोप कैपलर से भी 400 गुना ज्यादा एरिया में प्लैनेट्स को खोज सकता है और इसी टेलीस्कोप की मदद से नासा ने हाल में ही एक अनोखे ग्रह की खोज की है जो कि पूरा पृथ्वी की तरह ही दिखता है। TOI-700D नाम का यह ग्रह अपने स्टार TOI-700 की हैबिटेबल जोन में परिक्रमा करता है और केवल 37 दिनों में ही ये अपने स्टार की एक ऑर्बिट को पूरा कर लेता है। इस अनोखे ग्रह का स्टार हमारे सूर्य से काफी छोटा है। ये मास में सूर्य का 40% है और रेडियस में ये सूर्य से इतना ही छोटा है। रेड ड्वार्फ होने के कारण ये काफी ठंडा है, इसलिए इसका सरफेस टेम्परेचर हमारे सूर्य से केवल आधा ही है। जब वैज्ञानिकों ने इस तारे पर नजर डाली तो उन्होंने यहाँ पर ट्रांसिट मेथड से 3 और ग्रह खोजे। ये ग्रह जब भी अपने होस्ट स्टार की परिक्रमा करते तो कई बार टेलीस्कोप और स्टार के रास्ते के बीच में आकर के स्टार से आ रही लाइट को कम और ज्यादा करते,
जिससे वैज्ञानिकों को पता लगा कि यहाँ पर कोई चीज तो है जो लगातार एक परफेक्ट टाइम पर स्टार से आ रही लाइट को कम और ज्यादा कर देती है। इस मेथड को ट्रांजिट मेथड कहा जाता है, जिसमें एक ग्रह स्टार के सामने से गुजरते हुए टेलीस्कोप से आ रही लाइट को कुछ देर के लिए कम या ज्यादा कर देता है। इस सामान्य से मेथड से ही इस स्पेस टेलीस्कोप ने इस स्टार के तीन ग्रहों की खोज की, जो कि TOI 700b, TOI 700c और TOI 700d है। इनमें से TOI 700b अपने होस्ट स्टार के एकदम नजदीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और ये टाइडली लॉक्ड भी होगा। इसका मतलब है कि इसकी एक साइड हमेशा स्टार की ओर रहेगी, तो दूसरी स्टार से दूर। वहीं TOI 700c और TOI 700c एक नेपच्यून के आकार का ग्रह है, जो कि गैस का भंडार है। पर जो सबसे अनोखा और चर्चा का विषय है वो है TOI 700d ग्रह। ये तीसरा ग्रह है जो कि इस स्टार की काफी दूरी से परिक्रमा करता है और साथ में उसके हैबिटेबल जोन में भी आता है। हैबिटेबल जोन में आने की वजह से इस पर ठीक पृथ्वी की तरह ही वातावरण हो सकता है और यहाँ पर जीवन के निशान मिल सकते हैं। फिलहाल इस ग्रह को अभी कुछ दिनों पहले ही खोजा गया है, इसलिए इस पर ज्यादा डेटा हमारे पास नहीं है। अभी मेरे डेटा से पता चलता है कि यह ग्रह पृथ्वी के आकार का ही है और उसकी डेंसिटी और रेडियस भी सेम है, इसकी सरफेस ग्रेविटी भी पृथ्वी के बराबर ही होगी। तो जब आप यहाँ पर कभी पहुँचेंगे तो आपको इस ग्रह पर एकदम पृथ्वी के जैसा ही महसूस होगा। आपका वजन भी हो सकता है कि जो अर्थ पर हो वो यहाँ पर सेम बना रहे। पर भले ही ये ग्रह हमारे पहले ग्रह केपलर 452b से कई गुना ज्यादा पृथ्वी की तरह हो, पर ये भी हमसे बहुत दूर है। केपलर 452b से 14 गुना कम दूरी होने के बाद भी ये ग्रह हमसे 100 लाइट ईयर दूर है। ये दूरी ब्रह्मांड के स्केल के सामने ज्यादा नहीं लगती है, पर इंसानी स्केल की बात करें तो ये बहुत बहुत दूर है। हम इंसानों को एक लाइट ईयर यानी कि करीब 10 ट्रिलियन और 100 खरब किलोमीटर की दूरी को ही पार करने में हजारों साल लगते हैं, तो 100 लाइट ईयर तो हमसे बहुत ज्यादा ही दूर है। अगर हम पार्कर सोलर प्रोब से इस ग्रह की ओर आज निकलते हैं तो हमें यहाँ पर पहुँचने में कम से कम 1,60,000 साल लगेंगे, जो कि पूरी तरह फिलहाल बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि भविष्य में हम अगर बॉल रॉयल या एंटी मैटर शिप बनाकर लाइट की स्पीड का 90% स्पीड हासिल कर लें तो हम इन ग्रहों पर आसानी से पहुंच पाएंगे। उस समय हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई होगी कि हम टाइप 2 सभ्यता भी बन गए होंगे। पर अभी हमारी यात्रा खत्म नहीं हुई है। अब हम पृथ्वी से और नजदीक और कहीं तो पिछले ग्रह से 10 गुना कम दूरी पर एक और ग्रह की ओर जा रहे हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने 2017 में खोजा था। ये ग्रह एक एम टाइप यानी कि रेड ड्वार्फ स्टार की परिक्रमा करता है और केवल 10 दिनों में उसका एक चक्कर पूरा कर लेता है। मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी से 11 लाइट ईयर दूर स्थित एक एक्सोप्लैनेट की, जिसे वैज्ञानिकों ने रॉस 128 भी नाम दिया है। ये ग्रह अपने स्टार रॉस 128 की उसी दूरी से परिक्रमा करता है, जिससे माना जा रहा है कि एक हैबिटेबल प्लेनेट बन सकता है। अभी तक के मेरे डेटा के हिसाब से ये ग्रह हमारी पृथ्वी से थोड़ा भारी है और शायद आकार में पृथ्वी के बराबर और उससे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। वैज्ञानिकों को जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर देती है वो है इसका सरफेस टेम्परेचर, जो कि पृथ्वी के जैसा ही है। हालांकि यह ग्रह अपने स्टार के काफी नजदीक देखा गया है, तो हो सकता है कि यह टाइडली लॉक्ड प्लैनेट हो, जिससे एक सतह इसकी स्टार की ओर और एक सतह हमेशा घोर अंधकार में रहेगी। जीवन केवल इन सतहों के बीचों बीच बनी टर्मिनेटर लाइन पर ही पनप सकता है। इसके अलावा इस ग्रह और इस स्टार की एक खास बात है, वो है कि यह स्टार अब एकदम शांत है और करीब 9.5 अरब साल पुराना है। लगभग सूर्य से 2 गुना उम्र में बड़ा यह स्टार बहुत कम ही स्टेलर एक्टिविटी दिखाता है, जिससे अगर हमारा ये ग्रह इसके एकदम पास भी हुआ तो इस स्टार की सोलर हवाएं ग्रह को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और इसका एटमॉस्फेयर भी इसके होस्ट स्टार की रेडिएशन से बचा रहेगा। खैर, ये ग्रह हमसे 11 प्रकाश वर्ष दूर है, इसलिए फिलहाल अभी इस पर भी जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। पार्कर सोलर प्रोब से अगर अभी इस ग्रह पर जाने के लिए निकले तो हमें यहाँ पहुँचने में ही कम से कम 18,000 साल लग जाएंगे। पर अगर हमने आगे लाइट की स्पीड की आधी स्पीड का भी स्पेस क्राफ्ट बना लिया तो ये ग्रह हमारे लिए केवल 22 सालों की यात्रा के बराबर ही होगा, जो कि हम इंसान अपने जीवन काल में फिट कर पाएंगे। वैसे आपको बता दूं कि इन सब के अलावा भी बहुत से ऐसे ग्रह हैं जो वैज्ञानिकों ने खोजे हैं और भविष्य में हमारी मानव सभ्यता को जीवन दे सकते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा और सबसे नजदीक प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी प्लैनेट है, जो कि पृथ्वी से 4.2 लाइट ईयर दूर है और अपने स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करता है। कई वैज्ञानिक इसे भी भविष्य में इंसानों के लिए नया घर मानते हैं, पर ये कितना सटीक होगा वो तो इस पर जाकर के ही पता चलेगा। इसलिए इस पर जाने के लिए ब्रेक थ्रू स्टार शॉट नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो कि साल 2036 में लॉन्च होगा
और 20 सालों में इस ग्रह पर पहुंच पाएगा। लाइट की 20% स्पीड से चलने वाले छोटे शिप्स प्रोक्सिमा सेंटोरी भी पर जाकर के हमें तब बता पाएंगे कि वास्तव में ये ग्रह जो हमने खोजे हैं जीवन के पनपने के लिए लायक हैं भी या नहीं। फिलहाल तो हमें इसके लिए कम से कम 40 सालों का इंतजार करना होगा, तब जाकर के ही ये रियल पिक्चर उस ग्रह की भेज पाएगा। तब तक हमें टेलीस्कोप से ही काम चलाना होगा। दोस्तों, ये सभी ग्रह तब और हमारे लिए काम के साबित हो सकते हैं जब जेम्स वेब टेलीस्कोप और ELT ये दोनों महाशक्तिशाली टेलीस्कोप सीधे इन ग्रहों को देखेंगे। ये दोनों टेलीस्कोप फिलहाल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, पर जल्द ही हम इंसानों की मदद करने के लिए और ब्रह्मांड को खोजने के लिए तैयार होने वाले हैं। एक्सोप्लैनेट सीरीज का हमारा ये 5वां वीडियो था जिसमें हमने कुछ पसंदीदा हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट की यात्रा की और समझा कि इन पर जीवन की कितनी संभावनाएं पनप सकती हैं। इससे पहले मैं Gliese 667c, प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, K218b और ट्रैपिस्ट स्टार सिस्टम पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उन वीडियो को जरूर देखिए और साथ में इस वीडियो में बताए गए इन एक्सोप्लैनेट्स के बारे में भी कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कौन से ग्रह पर जाना ज्यादा अच्छा लगेगा और जब आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। आप चाहें तो अपनी मदद के लिए हमारी वेबसाइट vigyanam.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको यूनिवर्स के ऊपर हजारों आर्टिकल मिल जाएंगे जो आपको एकदम अपडेटेड रखेंगे और आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप वेबसाइट जरूर विजिट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।